चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों में जोरदार डायलॉग और लौंडा डांस से हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन इस बार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म जिला चंपारण को बिहार में रिलीज नहीं होने के कारण एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिला चंपारण को आगामी 25 अगस्त से बिहार के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, पर बिहार में बाढ़ के कारण खेसारी लाल यादव और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को फिलहाल रिलीज डेट आगे शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक नए डेट की घोषणा नहीं गया है। आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव की फिल्म दिलवाला का भी दो बार रिलीज डेट बदला गया था। कयास लगाया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की फिल्म जिला चंपारण भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित होगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म जिला चंपारण की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म का ट्रेलर टीम फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है। इस फिल्म के ट्रेलर को अभी तक करीब 50 लाख बार देखा जा चुका है। इस फिल्म में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव स्विमिंग पूल में मनी भट्टाचार्य के साथ जोरदार रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां, खेसारी लाल यादव अपने आने वाली फिल्म जिला चंपारण में खेसारी लाल मनी भट्टाचार्य के साथ अब तक सबसे ज्यादा हॉट सीन करते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में बात करें तो खेसारी लाल यादव, मनी भट्टाचार्य और मोहिनी घोष मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जिला चंपारण दर्शकों को कितना पसंद आता है।